हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे सैंडविच और बहुत ही क्रीमी और करारा और चटपटा ये सैंडविच बनने वाला है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों का मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, बहुत ही कम चीज़ों में ये बनके तैयार होगा, लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब टेस्टी रहेगा। और इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और हाफ टी स्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। और इसमें जो मेन चीज़ है जिससे क्रीमी बनेगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे किया है मेयोनीज़ का यूज़। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच जो है एगलिस मेयोनीज़ का यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपको ज़्यादा क्रीमी चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है आप मेयोनीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है 2 बड़े चम्मच मेयोनीज़ यूज़ किया है। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे नमक नहीं यूज़ किया है क्योंकि मेयोनीज़ में ऑलरेडी नमक रहता है, लेकिन अगर आप नमक थोड़ा सा ज़्यादा खाते हो तो आप थोड़ा सा जो है इसमें नमक ऐड कर सकते हो, 2 से 3 चुटकी। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सैंडविच का जो मिक्सचर है बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर मैंने लिए 4 स्लाइसेस ब्रेड के, ये वाइट ब्रेड है, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम 1 स्लाइस लेंगे और उस पर जो है मिक्सचर को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। तो मैं ढेर सारा जो है मिक्सचर अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सैंडविचेस इससे जो मिक्सचर मैंने लिया है मतलब बनाया है तैयार किया है, इससे सिर्फ मैं जो है 4 सैंडविच तैयार करूँगी। तो ये देखिए इसी तरह से मैं दूसरा ब्रेड भी तैयार कर लूँगी। तो बिल्कुल रेडी है, दोनों मैंने फिल कर ली, अप्लाई कर लिया है मिक्सचर। तो मैं यहाँ पर जो है यूज़ करूँगी क्लैरिफाइड बटर यानी घी का यूज़ करूँगी, आप चाहो तो बटर का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं अप्लाई कर लूँगी घी एक साइड जो है ब्रेड के यानी सैंडविचेस जो मैंने तैयार किए अभी, तो अच्छे से हम अप्लाई कर लेंगे। अगर आप घी यूज़ नहीं करना चाहते हो बटर कीजिए या फिर रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हो, तो अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने जो है तवा गरम कर लिया है और फ्लेम को जो है मीडियम कर देंगे, और जिस साइड हमने जो है घी अप्लाई किया था लगाया था ब्रेड पे वो साइड हम जो है तवे पे रख देंगे, और इसे जो है अच्छे से सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, और एक स्पैचुला से हल्का हल्का इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से सिक जाए। और हम जो है जिस साइड हमने घी अप्लाई नहीं किया था उस साइड भी अभी हम जो है घी अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। और इसे दूसरी तरफ जो है हम पलट लेंगे। आप देख सकते हो हमारा जो ब्रेड का एक हिस्सा है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हमें जो है दूसरे हिस्से को अच्छे से इसी तरह से जो है गोल्डन ब्राउन यानी कि क्रिस्पी करना है। तो इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इस तरह से हल्का जो है स्पैचुला से प्रेस करते हुए तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से जो दूसरी ब्रेड है उसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। बहुत ही ईजी है ये रेसिपी, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो ये देखिए हमारा जो सैंडविच है बन के तैयार है, अच्छे से फ्राई मतलब क्रिस्पी कर लेंगे इसको हम। तो देखिए हमारा जो सैंडविच है बहुत ही मतलब यमी बना है और क्रिस्पी बना है। तो प्लेट में निकाल लेंगे और इसे जो है मनचाहे आकार में हम काट लेंगे, आप चाहो तो चौरस में कट कर सकते हो या फिर इसे ट्राइंगल में, तो मैं ट्राइंगल में इसे कट कर लूँगी। आप इसे जो है सुबह के नाश्ते में चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ या फिर बच्चों को जो है जूस के साथ दे सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। इसके साथ जो है सॉस की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, आप इसे शाम को भी बना सकते हो। तो ये देखिए हमारे जो है क्रिस्पी और क्रीमी सैंडविचेस बन के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। तो दूसरा जो है मैं थोड़ा सा रेक्टेंगल में कट करूंगी। तो ये देखिए बहुत ही क्रीमी लग रहे हैं और बाहर से बहुत ही कुरकुरे करारे बने हैं। मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है, घी से जो है बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं सैंडविचेस, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें अगर आप घी खाते हो। और इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पे जो है आप विज़िट करते रहें।